हेलो गाइस, मैं अलिबा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिमल की रेडी टू ईट पालक पनीर के रिव्यू। ये मेरा पहला रिव्यू है। आज के पहले मैं कभी भी रिव्यू नहीं की हूँ किसी की प्रोडक्ट में भी, और मैं आपके लिए रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। इसको आप किस तरह यूज कर सकते हो, इसका बेनिफिट क्या है और इसका टेस्ट क्या है, सारे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये रेडी टू ईट फूड है और इसका प्राइस है 249, 249 रुपये की है ये प्रोडक्ट। और मैं ये फ्लिपकार्ट से परचेस की थी, तो ये मुझे कुछ 181 तक की पड़ी थी। और ये अमेजन फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। इसे आप बिग बाज़ार वगैरह कहीं से भी खरीद सकते हो, अच्छे डिस्काउंट से भी मिल जाएगा आप लोगों को। इसको फ्रीज वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये 12 महीने तक रह सकता है इसकी मैन्युफैक्चर डेट से। ये मीडियम स्पाइसी है, इतना स्पाइसी ये नहीं है। इसको गर्म करना नहीं है, इसको 10 मिनट तक गर्म पानी में डुबा के रखना और ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे जो पैकेट वगैरह मिलता है ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसको भेज खाने की मन कर रहा हो ये इसे खा सकता है। अगर आपको इंस्टेंटली कुछ खाने की मन कर रहा है तो आप इसे खा सकते हो, लेकिन रोज़ कंज्यूम करने के लिए या डेली यूज़ करने के लिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी। बहुत ही इमरजेंसी हो या कुछ मिल नहीं रही हो तो एक दो महीने में एक दो बार इसे खा सकते हो आप। इसमें 300 ग्राम की क्वांटिटी आ जाता है, दो लोगों के लिए काफ़ी है ये। जब तक आप इसे खोले नहीं हो, इसके ऊपर की ये ऐसे कार्डबोर्ड टाइप का आएगा और अंदर ये ऐसे पाउच टाइप का आएगा। ये कार्डबोर्ड को आप माइक्रोवेव भी कर सकते हो, लेकिन ये पाउच को आप गर्म पानी में 10 मिनट तक डुबा के रख सकते हो। लेकिन ट्रैवलिंग के टाइम में माइक्रोवेव तो नहीं मिलेगा, तो आप इसे 10 मिनट तक गर्म पानी में डुबा के इसे खा सकते हो। जैसे कि मैं बोला था कि इसे 12 महीने तक रख सकते हो, लेकिन जब भी इसे खोलोगे तो उसी दिन ही उसे यूज़ कर लेना। मैं इसे गर्म करके लाती हूँ, जब तक मैं इसे गर्म करती हूँ आप उसी टाइम पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं इसे गर्म करके लाई हूँ, अभी इसे कट करते हैं। इसका स्मेल बहुत अच्छा है। देख रहे हो ना, इसका ग्रेवी थोड़ा ठीक है और ये ग्रेवी बहुत ठीक है और ये पनीर भी बहुत सॉफ्ट है। इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। इसमें लहसुन के तड़के की फ्लेवर आ रही है, बहुत अच्छे। और इतना ऑयली भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, इतना ऑयली नहीं है। ग्रेवी बहुत अच्छा है। पनीर थोड़ा देखते हैं। बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छे है। तो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।